अगली खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर एक पैरालाइज्ड व्यक्ति ने, एक मरीज ने यहां दावा किया है कि 3 साल पुरानी बीमारी गौसेवा करने से 90% तक ठीक हो गई है। बता दें, सुमित जोशी 3 साल से लकवा जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा था। बीमारी के चलते उसने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। उसने बताया कि गौ सेवक योगेश पांडे ने गौ सेवा करने का परामर्श उसे दिया। उसने लगातार गौ सेवक के कथन अनुसार काम किया और 1 महीने में ही 90% तक ठीक हो गया। टनकपुर से विनोद पाल की रिपोर्ट। तीन साल से मुझे पैरालाइज की बीमारी है। मैं बहुत परेशान हुआ था, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत अस्पतालों में दिखाया, मुझे कहीं से इलाज कुछ सही नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट पूर्णागिरी बिहार में आया। फिर मुझे योगेश सर ने गाय सेवा की प्रेरणा दी, मुझे बताया कि गाय को चारा दो, उसकी सेवा करो, उससे तुम्हारी ये बीमारी सही हो जाएगी। तो मैं फिर रोज गौ सेवा करने लगा, चारा देने लगा उसे, रोज मसारता था, सहलाता था। इस वजह से मुझे कम से कम 90% मैं सही हो चुका हूँ। ये हमारा भाई है छोटा, पहले इसको प्रॉब्लम थी, इसके हाथ ऐसे से कांपते थे, और जब से हमारे छोटे भाई ने गाय की पूजा करनी चालू करी, गौ माता की सेवा करी, तब से इसके हाथ कांपने और इसके थोड़े जो प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग गाय की रक्षा करें, गाय की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें। हमें याद है अभी 1 महीने पहले ही सुमित ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। वो ऐसा इंसिडेंट ये हुआ था कि किसी कारणवश हम गौ सेवा नहीं कर पा रहे थे, हमें एक फ्रैक्चर हो गया था पीछे। तो हम सुमित को बहुत ही समझा रहे थे कि भाई सुमित तुम गौ सेवा करो, इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन में है, इससे आपको समृद्धि मिलेगी। अफकोर्स जो ये प्रॉब्लम है आपको पैरालिसिस का, आप गौ माता को जब स्पर्श करेंगे, उनकी मालिश करेंगे, तो उनके वाइब्रेशन से ये पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा। और ये गौ माता की कृपा से सुमित ने इस बात को पॉजिटिव लिया और आज आपने देखा है कि वो काफी हद तक इससे ठीक हो चुके हैं।